Good morning, children. How are you? You are fine. Now, okay. तो चलो पहले पीरियड में हमने क्या किया है, पहला जो वीडियो मैंने भेजा है उसमें हमने क्या किया है, सवेरा यह कविता, कौन सी कविता, सवेरा यह कविता सिर्फ रीडिंग करके आपको दिखाई है। तो आज हम लाइन बाय लाइन उसका मीनिंग देखेंगे, क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन इस कविता का मीनिंग देखेंगे। तो चलो देखते हैं, सूरज की किरणें आती है, कौन सी किरणें आती है, सूरज की किरणें आती है, किरण का मतलब क्या है, प्रकाश रेखा, सारी कलियां खिल जाती हैं जब सूरज ऊपर निकल आता है। सूरज सवेरे सवेरे जब हमें देखने लगता है तो क्या हो जाता है, सारी कलियां खिल जाती हैं। कलियां खिलना इसका मतलब क्या है बताओ मुझे, आपको पता है, कलियां मतलब उस पौधों पर जो फूल उगते हैं उसे क्या कहते हैं, कलियों का खिलना कहते हैं। अंधकार सब खो जाता है, अंधकार का मतलब क्या है, अंधेरा, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। हमें भी देखो अंधकार का मतलब क्या है, अंधेरा, अंधेरा का हमें भी डर लगता है ना, अंधेरा का, तो क्या होता है कि अंधेरा जब गायब हो जाता है तो सारा जग कैसे लग जाता है, सुंदर लग जाता है, सुंदर मतलब क्या, खूबसूरत, ब्यूटीफुल लग जाता है। क्या किया हमने अभी एक स्टांजा देखा, क्या, सूरज की किरणें आती है सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है सब जग सुंदर हो जाता है, इसका मतलब क्या है, जब सूरज की किरणें आती है तो क्या क्या होता है, कलियां खिल जाती हैं, अंधकार गायब हो जाता है और सारा जग सुंदर हो जाता है, इसका मतलब क्या, ये सब कब होता है, जब सवेरा होता है उस टाइम ये सब हो जाता है। देखो नेक्स्ट, चिड़िया गाती है मिलजुल कर, चिड़िया क्या करती है, मिलजुल कर चू 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 गाने गाती हैं, बहते हैं उनके मीठे स्वर, चिड़िया के स्वर कैसे होते हैं, मीठे, स्वर का मतलब क्या है, आवाज़, स्वर का मतलब क्या है, आवाज़, उन्हें चिड़िया गाती है मिलजुल कर बहते हैं उनके मीठे स्वर, स्वर का मतलब है आवाज़, ठंडी ठंडी हवा सुहानी, सुहानी मतलब क्या, अच्छी लगने वाली, सुखद होना, सुहाना का मतलब क्या है, सुखद होना, चलती है जैसे मस्तानी, चलती है जैसे मस्तानी, हवा कैसे चलती है, ठंडी ठंडी सुहानी चलती है जैसे कि मस्ती में चल रही हो। चलो ओके, समझ में आया आपको, चिड़िया क्या करती है सवेरा होने के बाद, गाती है, उनके मीठे स्वर कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं ना, ठंडी ठंडी हवा भी सुहानी लगती है जैसे कि वो मस्ती में ही बह रही हो। देखो नेक्स्ट क्या है, नई ताजगी नई कहानी, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी, ताजगी का मतलब क्या है, नयापन, और जोश का मतलब क्या है, उत्साह, और प्राणी का मतलब क्या है, मनुष्य प्राणी या जीव जंतु, कौन से भी प्राणी क्या होते हैं, सवेरा होने पर क्या करते हैं, नयापन पाते हैं, जोश पाते हैं, उन्हें उत्साह मिलता है, खो देते हैं आलसा सारा, क्या करते हैं, खो देते हैं आलस सारा, और काम लगता है प्यारा। सवेरा होने के टाइम हमें क्या, हमारी नींद जब पूरी हो जाती है तो क्या होता है कि हम सारा आलस खो देते हैं और हमें क्या लगता है, काम अच्छा लगने लगता है। देखो नेक्स्ट क्या है, सुबह भली लगती है उनको, सुबह भली लगती है उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको, जिन्हें मेहनत करना पसंद है, जिन्हें काम करना पसंद है उन्हें क्या लगती है, सुबह भली लगती है। अगर सुबह भी अलस आ जाए, यानी कि जो हम सुस्ती महसूस करते हैं ना शाम को रात को, अगर सुबह भी अलस आ जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए, अलसा जब गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सारा जग सुंदर हो पाएगा। तो इसमें श्री प्रसाद जी ने हमें संदेश क्या दिया है, देखो इस कविता से, सवेरा मन में जोश व उल्लास भर देता है, यानी कि हमें फ्रेश फ्रेश लगता है। तो आज हमने क्या देखी, सवेरा यह कविता देखी। मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन के पिक्चर भेजने वाली हूँ, क्या करने वाली हूँ, होमवर्क के लिए क्वेश्चन के पिक्चर भेजने वाली हूँ, वो हमें आपको क्या करना है, उसके क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के आंसर लिखकर
भेजने हैं। थैंक यू।